सहायता समूह बनाकर बनाएंगे नारी शक्ति को आत्मनिर्भर। बत्रा राजीव गांधी कल्याण संस्थान जींद के संस्थापक ओम प्रकाश बत्रा ने बताया कि संस्थान नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एनजीओ के रूप में समाज सेवा कार्य करने के लिए पंजीकृत है। सबका प्रयास सबका विकास मूल मंत्र के अनुसार संस्थान कार्य कर रही है। जींद जिले के 8 ब्लॉक जींद उचाना नरवाना उझाना अलेवा पिल्लू खेड़ा सफीदो व जुलाना आते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में इंडस्ट्री हबों का नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि धर्म पर आधारित होगा। ओम प्रकाश बत्रा ने बताया कि संस्थान को आज मिलिट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर ऑफिस ऑफ द रजिस्टर का कंपनी भारत सरकार से CSR-1 का पंजीकृत सर्टिफिकेट मिला है। इस देश के प्रसिद्ध उद्योगपति घरानों से समाज सेवी कार्य के लिए अधिक सहयोग का अनुरोध कर सके ताकि महिलाओं व बेटियों को रोजगार दिलाने में सहायता की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि माता कस्तूरबा गांधी महिला स्वयं सहायक समूह के समस्त जिला जींद की महिलाएं सदस्य बन सकेंगी जो प्रधान सचिव कोषाध्यक्ष का चुनाव सेंड करेंगे। समस्त ब्लॉकों का कार्य भी देखेंगे। संस्था केवल मार्गदर्शन व सलाहकार के रूप में सहयोग दिया करेंगे जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं विश्वकर्मा योजना के तहत बुनाई सिलाई के क्षेत्र में पंजीकृत हैं वे संसार में अपना बायोडेटा भेज सकती हैं। इसके अलावा महिला स्वयं सहायक समूह भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी जालंधर ग्रुप के प्रधान संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा के मार्गदर्शन व सहयोग का संस्था आभार व्यक्त करता है। अतिरिक्त उपायुक्त जींद व जिला प्रशासन के मार्गदर्शन व सहयोग से कार्य किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका